अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई होप आप लोग फ्रेंड्स अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एलिजिबल फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत कहाँ मिली? और आपके ऑप्शन है ए कुहे हिरा के गार में, बी गुंबद खिदरा में, सी बैतुल्लाह में, या फिर डी सफ़ा पहाड़ पर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए कुहे हिरा के गार में। क्वेश्चन नंबर टू यह आपके स्क्रीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर कौन से फरिश्ते आते थे? और आपके ऑप्शन हैं ए मिकाइल, बी इजराइल, सी इसराफील, या फिर डी जिब्राइल। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी जिब्राइल। क्वेश्चन नंबर थ्री ये आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले कुरान की कौन सी आयतें उतरी? और आपके ऑप्शन है ए सूरह इखलास, बी सूरह असर, सी सूरह अलक की पहली पांच आयतें, या फिर डी आयतुल कुर्सी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी सूरह अलक की पहली पांच आयतें। क्वेश्चन नंबर फोर यह आपकी स्क्रीन पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नबी होने का इकरार किसने किया? और आपके ऑप्शन है ए आपकी माँ ने, बी आपकी दादी ने, सी आपकी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, या फिर डी अबू तालिब ने। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी आपकी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। क्वेश्चन नंबर फाइव या आपके स्क्रीन पर। हमारा दीन यानी मज़हब का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए मुसलमान, बी इस्लाम, सी ईमान, या फिर डी ईमानदार। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी इस्लाम। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपके स्क्रीन पर। एक बार सुबहानअल्लाह पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती है? और आपके ऑप्शन है ए एक नेकी, बी दस नेकियां, सी पंद्रह नेकियां, या फिर डी बीस नेकियां। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी दस नेकियां। क्वेश्चन नंबर सेवन ये आपके स्क्रीन पर। बुखारी शरीफ के मुताबिक कब्र में कितने सवाल होते हैं? आपके ऑप्शन है ए तीन, बी चार, सी पाँच, या फिर डी दो। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है चार। क्वेश्चन नंबर एट यह आपके स्क्रीन पर। कुरान के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह को मानने वाले का नाम क्या रखा है? और आपके ऑप्शन है ए अहले कुरान, बी अहले हदीस,
सी हनफी या फिर डी मुस्लिम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी मुस्लिम।